तो आज हम लोग सोशल साइंस की आर्ट इंटीग्रेटेड फॉर्म के टीचिंग लर्निंग की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हम क्लास 8th की एनसीईआरटी बुक आवर पास्ट थर्ड पार्ट सेकंड लेते हैं। इसका चैप्टर है द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट। इसको एक थिएटर फॉर्म में बच्चों को टीच करते हैं। तो इसके लिए एक जो सजेस्टेड मटेरियल रिक्वायर्ड है उसकी बात करते हैं, जैसे कि हैंडलूम सारीज, कुर्ताज, धोती, इंडियन फ्लैग, वुडन स्टिक, शॉल, एनालिसिस वर्कशीट। इस तरीके से स्टूडेंट्स को डिफरेंट रोल दे सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि सबसे इफेक्टिव और डीप जो लर्निंग होती है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है, लर्निंग बाय डूइंग होती है, जिसमें आई, ईयर, हैंड्स, मतलब मैक्सिमम पार्ट्स जो बॉडी के होते हैं, ऑर्गन्स, वो एक साथ एक कोऑर्डिनेशन फॉर्म में वर्क करते हैं। तो इसी के साथ हम इसमें क्लास 9th की सोशल साइंस या सोशल स्टडी का जो पार्ट है पॉलिटिकल साइंस उसको लेते हैं। उसका चैप्टर है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वो लेते हैं। और इसमें हम एक तरह का स्किट या प्ले ऑफ मॉक इलेक्शन का कराते हैं, जिसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स सिविल स्टूडेंट को इंक्लूड करते हैं, इलेक्शन ऑफिसर्स हैं और वोटर हैं, इस तरीके से डिफरेंट रोल अलॉट करते हैं। और एक पूरा वोटिंग प्रोसेस का एक सेटअप प्रिपेयर करते हैं। तो उसमें कुछ छोटे बॉक्सेस लिए जा सकते हैं जिनको बैलेट बॉक्स का फॉर्म दिया जा सकता है, कुछ पेपर्स हैं जिनको बैलेट पेपर का फॉर्म दिया जा सकता है, स्टूडेंट्स के आई कार्ड को जो है वोटर आई कार्ड का फॉर्म दिया जा सकता है, स्टूडेंट लिस्ट को वोटर लिस्ट का नाम दिया जा सकता है, कुछ स्टैम्प हैं, स्टैम्प पैड हैं, ये सब की ज़रूरत होगी, परमानेंट मार्कर को यूज किया जा सकता है एज ए वोटर इंक। तो इस तरीके से एक उनको एक जो लेसन है, इलेक्शन प्रोसेस है, उसकी अंडरस्टैंडिंग इस तरह से होगी, जो कि जॉयफुल होगा और तनाव मुक्त होगा और डीप लर्निंग के फॉर्म होगा।